बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कोरोना काल में बेहतरीन काम की सभी ने सराहना की। बैठक में पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर उसके संपूर्ण विकास का रास्ता खोला। पीएम ने गरीब खाद्यान्न योजना के जरिए गरीबों को भोजन देने का काम भी किया। के कार्यक्रम भी किया जाएगा, वे भी 2022 में तक पूरा कर लिया जाएगा। ये तीन ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट बूथ कमिटी, पेज इंचार्ज की नाम, मन की बात की सुनने की इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म आने वाले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन व्याप्ति की एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना आज माननीय नड्डा जी ने कार्य समिति को दिया। मित्रों, मैं अंतिम बात एक बात कहना चाहूंगा। जब हम बड़े भावुक ढंग से नड्डा जी ने अमित भाई जी की उत्कर्ष अभी बाकी है वाला विषय उल्लेख किए, उनकी स्पष्ट लक्ष्य था पार्टी की संगठन और पार्टी की राजनीतिक रणनीति। उन्होंने विशेष उल्लेख करके बंगाल के नागरिकों का आभार प्रकट किया। 2021 की विधानसभा की पहले उसकी पूर्व विधानसभा में 2016 में पार्टी की वोट परसेंटेज नगण्य था, आज पार्टी की वोट परसेंटेज 38% हुआ है। 18 लोकसभा, 77 विधानसभा, 77 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बंगाल की आशीर्वाद हमें मिला है। मित्रों, भारत की राजनीतिक इतिहास में ABP News आपको रखे आगे।